हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था SN1 और SN2 के मैकेनिज्म के बारे में, और SN2 SN1 रिएक्शन देखा था, और हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, याद हो? तो हमें क्या देखना है बेटा, SN1 अगर रिएक्शन है तुम्हारे पास तो यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री चेक करना है क्वेश्चन में, और SN2 रिएक्शन है तो यहाँ पास क्या देखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बेटा सही है ना? हमने कहा था ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हाट, सब्सट्रेट, ठीक है ना? ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी जो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, और स्टेबिलिटी कम होगी तो SN1 रिएक्शन कम होगा, SN2 की ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पास ये देखो क्वेश्चन नंबर, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.6 है, ठीक है? NCERT का आज न्यूमेरिकल ही कराना था SN1 और SN2 का। बोला है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडर गो SN2 रिएक्शन फास्टर। बोला है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड में कौन सा जो है इसमें से SN2 रिएक्शन फास्टर जाएगा। तो यानी यहाँ पास ये देखो, ये पहला है, ठीक है? इस पहले का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये देखो, ये रहा, ठीक है? और यहाँ लगा है बेटा CH2, और क्या लगा है Cl, ठीक? फिर उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पास, ये रहा CH2, और ना 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 CH2 नहीं है बेटा, Cl लगा हुआ है, तो आओ देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पास Cl, ठीक? तो यानी यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास हमने कहा था पहले आप चेक कर लो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, हीरो कार्बन से, उसके बगल में केवल एक कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है? और देखो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, उसके अगल बगल कितने कार्बन है, दो कार्बन है, इसलिए ये क्या है बेटा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। क्या है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इसने बोला था SN2 रिएक्शन कौन फास्टर जाएगा, SN2 रिएक्शन फास्टर कौन जाएगा, तो SN2 रिएक्शन में हमने ऑर्डर देखा है प्राइमरी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो इनमें से 1 डिग्री कौन है आपका, ये वाला। तो यानी यहाँ पास SN2 रिएक्शन कौन फास्टर जाएगा बेटा, SN2 रिएक्शन आपका ये वाला फास्टर जाएगा, ग्रीन से टिक कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये वाला, ठीक? यानी ये रहा, ठीक? नेक्स्ट है सेकंड वाला, देख लो यहाँ पास सेकंड में है आपके पास इस तरीके से दिया हुआ आयोडीन, ठीक है? और यहाँ पास इस तरीके से क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, सही है ना? तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पास भी नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है, यहाँ पास भी नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है, और नंबर ऑफ़ कार्बन अगर सेम है तो यहाँ पास क्लोरीन है और यहाँ पास क्या है, आयोडीन है। और क्लोरीन और आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो भैया रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, स्टेबल ज़्यादा कौन है, आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमें पता है आयोडीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो भैया आयोडीन की रिएक्टिविटी अगर क्लोरीन से ज़्यादा होती है तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा यानी लेस स्टेबल होगा वो SN2 रिएक्शन फास्टर जाएगा। तो इन दोनों में से आपका ये रहा SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्टर जाएगा, ठीक है ना? ये वाला कंपाउंड। आ रही बात समझ में, ठीक है ना? और क्वेश्चन नंबर 10.7 की तरफ चलते हैं, ठीक है? 10.7 क्वेश्चन आपका अच्छा है, ठीक है? ये देखो, ठीक है, 10.7 क्वेश्चन की बात करें तो बेटा 10.7 क्वेश्चन में बोला है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है किसका किसका बेटा, SN1 और SN2 का। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10.7 है, और इसमें SN1 या SN2 का एक ऑर्डर लगाओ, SN1 का जो ऑर्डर होगा SN2 में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पास पहला क्या है, यहाँ पास द फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, क्या है बेटा, द फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। तो यानी ये रहा आपका क्या चीज, क्या रहा, ब्रोमोब्यूटेन, क्या रहा बेटा, ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन का मतलब यहाँ पास ये रहा, ठीक है? ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन, ठीक है? ये रहा स्ट्रक्चर पहले बना लो, और ये रहा, ठीक है ना? 10.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो बोला है फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन का मतलब है इसके 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनने हैं। तो आप पहले उन 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला ये रहा, हेलोजन कंपाउंड को डिस्प्लेसमेंट करो, ठीक है ना? CH3, CH2, CH2, ठीक है? यहाँ CH हो जाएगा, ठीक है? ये देखो
और यहाँ पास ये रहा आपका सी एच थ्री, ब्रोमीन का डिस्प्लेसमेंट किया, ये दूसरा स्ट्रक्चर बना ब्रोमीन का डिस्प्लेसमेंट करके, ठीक है ना, आइसोमेरिक, ठीक है। तीसरा आप क्या कर दो, चेन को तोड़ो, ठीक है ना, ब्रांच करो, चेन को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, और यहाँ पास ये रहा सी एच थ्री, ना ना यहाँ पास ये देखो ध्यान से, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक, चलो अच्छा इसको सी एच ही रहने दो, यहाँ पास एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पास अगर एक हाइड्रोजन तुमने हटाया तो ये सी एच टू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, ये रहा तीसरा स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर इस ब्रोमीन को बीच में ले आओ, ठीक है ना, तो यहाँ पास अगर हम लोग चौथा स्ट्रक्चर देखें, और तो चौथे स्ट्रक्चर में ये देखो, यहाँ पास ये क्या है सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री और फिर से क्या चीज़ सी एच थ्री और फिर यहाँ पास क्या लग जाएगा ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चार आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बन गए किसके, ब्रोमो ब्यूटेन का, बोला है एस एन वन एस एन टू के ऑर्डर लगाने हैं, तो आप चेक कर लो बेटा, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक कार्बन ये प्राइमरी रहा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल दो कार्बन है ये सेकेंडरी रहा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में क्या है आपका एक कार्बन है तो ये भी क्या रहा प्राइमरी रहा, और हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल तीन कार्बन रहे तो ये क्या रहा आपका टर्शरी रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो भैया हमारे पास SN2 का जो ऑर्डर था, SN2 का ऑर्डर क्या है भैया, SN2 का ऑर्डर है आपका क्या चीज़, वन डिग्री देन टू डिग्री देन थ्री डिग्री, तो वन डिग्री में आपको दो दिख रहे हैं, बिल्कुल दो दिख रहे हैं, ये देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, और लॉन्गेस्ट चेन की स्टेबिलिटी क्या होती है भाई, सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पास सरफेस एरिया क्या है कम है, ठीक है ना, ब्रांच होने के कारण से, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो दोनों प्राइमरी में आप चेक कर लो कि स्टेबिलिटी किसकी कम है, जो कम स्टेबल होगा वो SN1 रिएक्शन फास्टर जाएगा, क्योंकि वन वन डिग्री है, दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, तो आपका पहले नंबर पर कौन आएगा, ये मैं पहले नंबर पर आपका ये आया, दूसरे नंबर पर आपका ये आया, ठीक है, आ रही बात समझ में, तीसरे नंबर पर भाई टू डिग्री आएगा, फिर थ्री डिग्री आएगा, तीसरे नंबर पर ये रहा और चौथे नंबर पर ये रहा, यानी ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हमने किसका लगाया, हमने SN2 का लगाया है, तो हमने SN2 का अगर लगाया है तुमने तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट को लिख देना, फिर सेकंड को लिख देना, फिर थर्ड को लिख देना, फिर फोर्थ का लिख देना, जबकि आप SN1 का लगाओगे तो इसी को जस्ट उल्टा कर देना, फोर देन थ्री देन टू देन वॉट वन, तो यहाँ पर दोनों ऑर्डर पूछा तो हमने कहा एक का किसी का लगा दो और एक का लगाने के बाद क्या हो, ठीक है ना, एक का किसी का लगा दो और एक का लगाने के बाद दूसरे का क्या कर दो, पलट दो, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज़, ये स्ट्रक्चर 10.7 का क्या चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखते हैं बेटा किसके बारे में, सेकंड 10.7 का सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पास ये देखो 10.7 का अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखना, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पास हम लोग ऑर्डर तो वही लगाएंगे, ठीक है, ये देखो 10.7 का, ठीक है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सेकेंड, तो भैया पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, ये देखो C6H5CH2Br, C6H5 का मतलब क्या बेटा, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग और इसके पास CH2Br है, क्या है CH2Br है, फिर उसके बाद ये रहा सेकंड C6H5 है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, लगा, फिर है CH, ठीक है, लगा दो, फिर उसके बाद C6H5 है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये किस में लगेगा बेटा, साइड चेन में लगेगा, लगा, और फिर उसके बाद क्या है Br है, ठीक है, ये रहा, तीसरा क्या है यहाँ पास, ये देखो तीसरा क्या है, तीसरा है C6H5 का मतलब क्या चीज़, बेंजीन रिंग, फिर क्या है बेटा CH, फिर क्या है CH, फिर क्या है आपका CH3, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है आपका Br है, चलो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देख लो ध्यान से, लास्ट वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो C6H5 मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, C है, फिर ब्रैकेट में CH3 है, ब्रैकेट में ही C6H5 है, तो ब्रैकेट में CH3 है तो यहाँ पास साइड चेन में गया, और ब्रैकेट में ही C6H5 था तो इसका मतलब ये भी साइड चेन में गया, और फिर यहाँ पास ये क्या आ गया, ब्रोमीन, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये चारों का मैंने पहले स्ट्रक्चर बना लिया, अब यहाँ पास डिसाइड कर लो कि वन डिग्री है, टू डिग्री, थ्री डिग्री, बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। हम किसके लिए लगाएंगे, हम बेटा लगाने जा रहे हैं किसके लिए,
हम लगाने जा रहे हैं किसके लिए, लगाने जा रहे हैं आपका SN1 के, SN2 के लिए, और SN1 के लिए लगाना है तो इसी को जस्ट पलट देंगे। ये देखो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक कार्बन है, तो अगर एक कार्बन है इसके बगल में, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक कार्बन है, ये रहा प्राइमरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल दो कार्बन है, ये रहा सेकेंडरी। हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल दो कार्बन है, ये भी रहा सेकेंडरी। और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल कितने कार्बन, तीन कार्बन, तो ये रहा आपका क्या चीज़, टर्सरी। तो चलो ठीक है, टर्सरी और प्राइमरी वाले में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि SN1 कौन फास्टर जाएगा, भैया प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो यानी फर्स्ट नंबर पर कौन होगा, फर्स्ट नंबर पर आपका ये रहा, ये रहा आपका पहले नंबर पर, ठीक है ना। अब देखो दूसरे नंबर पर सेकेंडरी आता है और सेकेंडरी के दो कंपाउंड है, तो तुम देखो इनमें से स्टेबल ज़्यादा कौन है। यहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग लगा है, यहाँ पास एक बेंजीन है और एक CH3 है, तो यहाँ पास बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा SN2 रिएक्शन क्या होगा, स्लो देगा, जबकि जो लेस स्टेबल होगा वो SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। तो दूसरे नंबर पर ये रहा, दूसरे नंबर पर ये रहा, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर ये रहा, ठीक है, तीसरे नंबर पर ये रहा, और चौथे नंबर पर क्या होगा आपका, ये रहा टर्सरी वाला। आ रही बात समझ में, तो यानी ऑर्डर SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होगा, SN2 का ऑर्डर होगा फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड और देन फोर्थ, और यही SN1 के लिए पलट देना, ठीक है ना भैया। इसकी जगह स्ट्रक्चर बनाना तुम, ठीक है ना। मैंने 1 लिखा है तो मतलब स्ट्रक्चर, 2 लिखा है तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, 3 लिखा है तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, और 4 लिखा है तो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। SN1 का ऑर्डर लोगे तो इसको जस्ट पलट दो, 4 देन 3 देन 2 देन 1, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका क्या चीज़, SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड आपके NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, कैसे किया, ठीक है ना, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चंस हुआ, ठीक है ना। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, SN1 और SN2 से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा रिएक्शन फास्टर देगा कौन स्लो देगा, ठीक है ना, आपका JEE और NEET के एग्जाम में आता है, बोलेगा व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन या व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द SN2 रिएक्शन, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन दे देगा, और वहाँ पास आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगर इसको उसने, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकेंड बोला, इसको थर्ड बोला, और इसको क्या बोला, फोर्थ बोला, उसके हिसाब से तो यहाँ पास करेक्ट ऑर्डर क्या है तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पास पहले नंबर पर कौन आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है ना, ये रहा। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पर 2 वाला कौन है, ये वाला, यानी थर्ड वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, थर्ड वाला, थर्ड कहाँ है, ये है, मतलब ये रहा सेकेंड, ठीक है ना। और फोर्थ वाला कौन सा है आपका, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये रहा आपका फोर्थ। जबकि यही SN1 के लिए ऑर्डर होता तो वहाँ पास देखो, वहाँ पास ये चार ऑप्शन जो है ABCD, ये जो चार ऑप्शन बनाता है, ठीक है ना। अब ये तो करेक्ट ऑर्डर है, वो 3 अनकरेक्ट ऑर्डर भी देगा, ठीक है ना। ये हो सकता है 2 अनकरेक्ट ऑर्डर दे और एक बोल दे नन ऑफ दीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या देखना है बेटा, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट को देख कर हमें क्या करना है, अपने से ऑर्डर लगाना है और उसमें केवल ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है ना। तो बेटा ये था आपका SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो हमें बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों आया, कैसे आया, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा आइसोमेरिज्म का ही टॉपिक है, ठीक है ना। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना, हमें पता था कि जो SN2 रिएक्शन था, SN2 रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपका इन्वर्जन क्रिएट कर रहा था। क्या क्रिएट कर रहा था, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है वहाँ पास जो भी उसका कंपाउंड था, जो भी उसका कंपाउंड था, जब वो आपका न्यूक्लियोफाइल से जब वो अटैक कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करने पर वो क्या कर दे रहा था, अपने सारे कंपाउंड्स को क्या कर दे रहा था, पलट दे रहा था, ऐसे लग जा रहा था, याद है। प्लस यहाँ पास हैलाइड आयन निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास इन्वर्जन कॉज हो रहा था, जाहिर सी बात है इन्वर्जन जिसमें कॉज होगा, ठीक है ना, वो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लास 11th के मेरे लेक्चर्स देखिएगा आप, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स के। वहाँ पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे समझाए, फिलहाल मैं यहाँ पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको फिर से अभी पढ़ाऊँगा,
ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या स्टार्ट करना है। आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म क्लास 11th में, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म आपका द केमिकल कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यही होता है आइसोमेरिज्म। दो टाइप का होता है, ठीक है। एक कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक कहलाता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या चीज़? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका 6 पार्ट टूट जाते हैं, CPMTFR से याद करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, CPMTFR, ठीक है। दिस इज व्हाट चेन पोजीशन मेटा टॉटो फंक्शनल रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दैट इज व्हाट CPMTFR, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये सब क्लास 11th में था, मेटामेरिज्म, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट से रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पास ये रहा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म का इस्तेमाल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है। यहाँ पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और हर हर चैप्टर में आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पास ये होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म बेटा, क्या चीज़? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियोमेरिज्म दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक कहलाता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में आपने पढ़ा था, याद है, सिस और ट्रांस, ठीक है। और यहाँ पास आपका दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। क्या चीज़? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमें इसी टॉपिक को टच करके ले जाना है स्टीरियोमेरिज्म में। ऑप्टिकल भी आपका दो टाइप का, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और आपका क्या होता है, लीवर रोटेटरी, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी, तो हमें इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर जाना है, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखनी है, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है हेलो एल्केन हेलो एरीन की। तो चूंकि 11th में आपने पढ़ा था, ठीक है, भूल गए होगे, कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ पास इस टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसको भी देखेंगे, और नए नए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जिससे आप आसानी से स्टीरियोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन था आज का SN1 और SN2 का, ठीक है ना। और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करिएगा, साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके JEE और नीट के कॉम्पिटेटिव वीक्स लेकर, वहाँ पास आप देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो अच्छे से बेटा रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और फ्रेंड्स को अपने आप वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, ठीक है ना, कनेक्ट करते रहिए, ठीक है ना, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, ठीक है ना, हमारे चैनल के साथ, और चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।